नमस्कार दोस्तों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमपी टेट 2020 जो कि अप्रैल में होना प्रस्तावित था, जो इस समय पोस्टपोन होकर के सितंबर अक्टूबर के बीच होना प्रस्तावित है, उसका ओवरव्यू लेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे, मार्किंग कैसे की जाएगी, इसके अलावा क्वेश्चंस का नेचर कैसा होगा, इन सब बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आप लोग समझ पाएंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है और आप पूरी तरह से ये समझने में सक्षम होंगे कि पेपर कैसा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है संविदा वर्ग 3, जिसे एमपी टेट 2020 भी कह सकते हैं। इसका हम लोग सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं कि इसमें परीक्षा योजना क्या होगी। तो इसमें कुल प्रश्न जो होंगे वो 150 होंगे और हर प्रश्न का एक अंक है, इसलिए टोटल मार्क्स जो होंगे वो 150 होंगे। इसमें सबसे बड़ी राहत देने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का लगाने में थोड़ा आसानी होगी। अब चर्चा करते हैं हम लोग एग्जाम स्ट्रक्चर पर कि परीक्षा संरचना कैसे होगी। अगर इसमें 150 मार्क्स हैं तो कुल कितने उसमें पार्ट होंगे, तो कुल इसमें 5 पार्ट हैं, जिनमें से है CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड EVS। हिंदी में कहें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन। हर पार्ट के 30-30 प्रश्न हैं और हर पार्ट में 30-30 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये सभी 5 पार्ट जो हैं ये अनिवार्य हैं, आपको करना है, कोई भी वैकल्पिक नहीं है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के बीच ये अंतर है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो आपने चूज कर लिया है उससे कोई अलग जो है लैंग्वेज आप लैंग्वेज 2 में चूज किए होंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर कैसा होगा, मतलब प्रश्न कैसे आएंगे, उनका लेवल क्या होगा, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए तैयारी करने में कि प्रश्न आएंगे कैसे, किस लेवल के आएंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि CDP क्वेश्चंस जो होंगे, मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न होंगे, वो 6 से 11 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशनल साइकोलॉजी पर बेस्ड होंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी ये होगी कि हम उनको बच्चों के साथ कम्युनिकेट कैसे करें, उनके प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करें और उनको टैकल कैसे करें। तो इन सभी पॉइंट्स पर जो है क्वेश्चंस आएंगे और इनका डिटेल्ड जो हमें पढ़ना है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये सिर्फ आपको एक आउटलाइन देते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे होंगे। अब आते हैं लैंग्वेज 1 पर। लैंग्वेज 1 के जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रोफिशिएंसी पर बेस्ड होंगे। प्रोफिशिएंसी का मतलब ये है कि प्रवाह कैसा है आपका उस लैंग्वेज को आप बोलने में, लिखने में, पढ़ने और सुनने में कितना सक्षम है और उसको आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, इन जो बेसिक स्किल्स हैं उनको आप उनके अंदर कैसे लाएंगे। तो ये प्रोफिशिएंसी पर क्वेश्चंस होंगे। और जो लैंग्वेज 2 होगी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि लैंग्वेज 1 से अलग होगी लैंग्वेज 2, तो लैंग्वेज 2 में जो क्वेश्चंस होंगे वो एलिमेंट्स, मतलब भाषा के जो तत्व होते हैं, मतलब कि स्वर व्यंजन इत्यादि, और उनमें कैसे संधि समास इत्यादि होगा। और इसके अलावा भाषा की समझ, अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि आप उस भाषा को कितना समझ पाते हैं। और तीसरा जो बिंदु होगा कि उस भाषा में आप कितना कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर आपने हिंदी लिया है अथवा संस्कृत अथवा उर्दू लिया है तो उसमें आप कैसे कम्युनिकेशन, मतलब बच्चों को बोलना कैसे सिखाएंगे और आप खुद उस क्लास में कैसे आप अपना पढ़ाएंगे, कैसे बच्चों से बातचीत करेंगे। तो उन सभी प्रकृति पर आधारित होंगे ये प्रश्न लैंग्वेज 2 के। और EVS और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो जो है कॉन्सेप्ट, मतलब अवधारणा पर आधारित होंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, मतलब समस्या समाधान पर, और पेडागोजी पर आधारित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर पार्ट में, जैसे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और EVS एंड मैथमेटिक्स में 15-15 क्वेश्चंस का पार्ट होता है, 15+15। तो 15 जो क्वेश्चंस होंगे वो पेडागोजी के होंगे। इसी प्रकार से लैंग्वेज 2 में भी 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होंगे और 15 क्वेश्चन कंटेंट के होंगे। इसी प्रकार से EVS एंड मैथ क्वेश्चन में जो है 15+15 का होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जितने 30 क्वेश्चंस होते हैं उनमें CDP और कंटेंट दोनों का योगदान होता है। तो इन दोनों को आपको तैयार करना है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि किस बुक से तैयारी करें। तो यहाँ पर आपको हिंट दिया गया है सिलेबस में कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे
वो मध्य प्रदेश जो पाठ्य पुस्तक निगम की जो पुस्तकें हैं उनमें जो कंटेंट दिया होगा उन पर आधारित होंगे। हो सकता है कठिनाई का स्तर हाई स्कूल तक कर दिया जाए, लेकिन प्रमुख रूप से उम्मीद यही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की जो मध्य प्रदेश बोर्ड की सिलेबस हैं, सिलेबस की बुक्स हैं, उनको पढ़ करके आपको अपनी तैयारी करनी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि पूरा एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है और आपको यहाँ पर आपको किस बेसिस पर आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इसमें मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर लीजिएगा। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो ये पूरी सीरीज होगी और हम इसमें आपको इस MPTET 2020 की पूरी तैयारी आपको अपने इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करते समय ध्यान दीजिएगा, उसमें तीन ऑप्शन होते हैं तो उनमें आपको ऑल पर टिक करना है, क्लिक करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।